दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है महिला एवं बाल विकास विभाग में, WCD में भर्ती निकली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सलाहकार पोस्ट के लिए 60,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी और मुनीम पोस्ट के लिए 30,000, परियोजना सहयोगी के लिए भी 25,000 है, जिला समन्वयक के लिए 30,000 है, जिला परियोजना सहायक के लिए 18,000 है, ब्लॉक समन्वयक के लिए 20,000, ब्लॉक परियोजना सहायक के लिए भी 15,000 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसकी भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सभी के लिए टोटल यहाँ पर 349 वैकेंसी जिसमें निकली है। वहीं बात सैलरी की जाए तो 15,000 से 60,000 है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी हम आपको नोटिस से भी दिखाएंगे, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, कितनी वैकेंसीज निकली है, पूरी हम आपको डिटेल्स में PDF इसकी दिखाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BBTech अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की जानकारी भी हम आपको नोटिस से ही दिखाएंगे। आयु की बात की जाए तो 25 से 45 वर्ष है। जॉब लोकेशन हरियाणा है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है WCDHRY.gov.in, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 फरवरी 2019 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 फरवरी 2019 है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF देख सकते हो जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिस या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी किया है, जिसके तहत में वेरियस वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं। वेरियस पोस्ट है। एज की बात की जाए तो 25 से 45 वर्ष है। रिटायर्ड पर्सनल के लिए 62 वर्ष है मैक्सिमम आयु सीमा। SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट इसमें दी गई है, यानी कि 25 से 50 वर्ष आयु सीमा है। और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप अप्लाई करने से पहले रीड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। इस वीडियो में हम आपको एंड में बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट 24 फरवरी 2019 यहाँ पर दी गई है। पोस्ट वाइज यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज, सैलरी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और डिजायरेबल भी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट पोस्ट की जानकारी देंगे। कंसल्टेंट प्लानिंग मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 60,000 रुपये पर मंथ के लिए यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट या कंप्यूटर में एप्लीकेशंस या फिर कंप्यूटर साइंस में, और BBTech होना चाहिए ITI कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में होना चाहिए फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन ITI या कंप्यूटर में, साथ में 55% अंकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट यहाँ पर देख सकते हो 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें ITI या फिर ICT में मांगा गया है। साथ साथ यहाँ से आप डिजायरेबल चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसकी भी आप यहाँ से जानकारी देख सकते हो, डिटेल्स में यहाँ पर पूरी दी गई है। कंसल्टेंट पोस्ट है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, इसके लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर है। सैलरी की बात की जाए तो 60,000 रुपये यहाँ पर सैलरी इसमें दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूट्रिशन या फिर पब्लिक हेल्थ या सोशल साइंस या रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी मेडिसिन में होना चाहिए 55% अंकों के साथ। साथ साथ आप यहां से डिजायरेबल चेक कर सकते हो। और जो बाकी की जानकारी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की आप यहीं से चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है कंसल्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसके लिए भी 1 पद खाली है। सैलरी सेम है 60,000 रुपये। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट
CS या CMA या MBA फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं 55% अंकों के साथ 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 डिजायरेबल आप यहां से चेक कर सकते हो। और जो यहां पर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है और करके और भी यहां पर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है, आप यहां से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है कंसल्टेंट कैपेसिटी एंड बिल्डिंग एंड BCC के लिए 1 वैकेंसी है, 60,000 रुपये सैलरी है, पोस्ट ग्रेजुएट सोशल साइंस में या हेल्थ कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन या रूरल डेवलपमेंट में तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ डिजायरेबल यहां से चेक कर सकते हो, एक्सपीरियंस वगैरह भी यहां पर आपको दिया गया है। उसके बाद कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट के लिए 1 वैकेंसी है, 60,000 रुपये सैलरी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट या MBA साथ में यहां पर देख सकते हो ऑपरेशन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वगैरह और एक्सपीरियंस आप यहीं से पूरा वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट की, इसके लिए यहां पर 2 वैकेंसीज दी गई है, 30,000 रुपये पर मंथ के लिए यहां पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स में या फिर अकाउंटिंग या फिर CWA या इंटर या फिर CA इंटर होना चाहिए 50% अंकों के साथ तो अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, डिजायरेबल भी आप चेक कर सकते हो। और करके भी आप यहां से देख सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्ड होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, इसके लिए 2 वैकेंसीज है, 25,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस या फिर IT में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, डिजायरेबल आप यहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है पोस्ट, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 21 पद यहां पर खाली है, 30,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट या फिर यहां पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में तो अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ यहां से आप देख सकते हो 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, 4 साल का इसमें यहां पर डिजायरेबल मांगा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके लिए देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए 21 पद यहां पर खाली है, 18,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए दी जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट या सोशल साइंस में या न्यूट्रिशन में, 7 साल मिनिमम यहां पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, गुड कंप्यूटर स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क, यहां पर आप और भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है जिसको आप पूरा रीड कर सकते हो। साथ साथ यहां से आप डिजायरेबल चेक कर सकते हो। जी हां दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ये स्टेप वाइज पूरी एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए 148 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 20,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ यहां पर इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो डिजायरेबल वगैरह जो आप यहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके लिए भी आप यहां से डिटेल चेक कर सकते हो। लास्ट की पोस्ट है ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, 11th नंबर पर है, 148 पद इसके लिए खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 15,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। 1 साल का इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिजायरेबल भी आप यहां से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन की पूरी जानकारी। अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा डाउनलोड करनी है, जी हां दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप सिंपली आवेदन कर सकते हो। अगर आपको भी ये PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचकर इस पेज के एंड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF की टैब दी गई है, जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन की टैब यहां पर भी दी गई है, नहीं तो आप PDF में भी देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे या फिर इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑनलाइन करने के लिए। यहां पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST OBC किस कैटेगरी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा पंजाब या फिर नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी, परसेंटेज पोस्ट किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन किस लोकेशन से आप अप्लाई कर रहे हो, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको डालना होगा, यहाँ पर आपको अपना जो CV है उसको अपलोड करना होगा, अदर डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी और सबमिट कर देना होगा। तो ऐसे आप सिंपली ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ऐसे सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब भी दी गई है,
इस टैब पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स मांगी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऐसे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी WCD हरियाणा भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर सुनहरा अवसर है, मेल या फीमेल बहुत अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा मौका है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।